जवान को लगाम दे भाई, तुम दोनों की जवान खींच लूंगा मैं, जवान काट के मैं कुत्तों को खिला दूंगा उधर। यानी तू हाँ बहुत ताव में दिखाई दे रहा है, लड़ने आया है? लड़ने तो आया हूँ, तेरी मुष्क बांध करके उड़ाई ले जाऊंगा। तेरी बात पे हंसी आती है भाई, हंसी आ रही है। यानी तू मुझे हाँ बांध कर अपने उड़ाई ले जाएगा? हाँ ठीक है, दोनों एक साथ लड़ोगे या एक एक लड़ोगे? अरे हमसे लड़ने की बात छोड़ो, पहले हमारे तरवारी से लड़के मर्जी हो तो दोनों एक साथ लड़ो। अरे तरवारी से अकेले लड़ो पहले। रुक मैं लड़ी हूँ, रुक कटानी से रुक। मैं लड़ने आया कि मरने आया रे? अरे रुक भैया, कतल वाला तरवारी लो पहले हमारी खंजर, सर काट लेना यही के। रुक के लड़का सयानी नहीं है। वही कही सुन लो, हम इन तरह का युद्ध नहीं करें, पहले हमारा बात सुन लो। बोल ये क्या कर रहा रे? ये जल्ला खींच दीन है, वो कैसे तुम हमारा बहनी बिटिया करो, ये कैसे हम तुम? कोई लड़ाई है? ये लड़ाई ना हो, ये मन लड़ी हो? कभी नहीं। चलो अच्छा कौन बात नहीं, एक लड़ाई और ही, तुम हमारे मोहे मांगुरी डाओ, हम तुम्हारे आंखी में बात होशियार है रे, कहे उधर आंख भी फोड़ दे उंगली भी काट ले, यही हमारी लड़ाई का धर्म युद्ध है। ये नहीं होगी, ये ना हो तो फिर एक काम और है, जब हम कहते लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू चला, लेकिन जल्ला के अपान ना आयो। अरे बाहर करो यार, ओका बाहर करो, एक अध्याय दे। जब हम कहते लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू, जब हम कह दे लड़ाई बंद, वो जल्ला हो गया। पहले मर गए तो देख, लड़ाई शुरू। बंद। अरे यार ये कौन लड़ाई या कहा? जब हम सुनो, बंद वाली का ध्यान ज्यादा दी हो, शुरू वाली का कम, ठीक है? अरे आप तो घुटकी पर हमने चढ़ा से हो पा यार, एक काम करो पीछे हो लड़ाई, यार ये तो मेरे को तैयार है बैठे, तन को मैं कह दे तो मेरे घुटकी में सख्त से चढ़ बैठे, लड़ाई शुरू, लड़ाई बंद। घंटों से उधार मोरे पांजर में लग गया यार, से न लड़ी हो तो बहु बहादुर है। अच्छा हाँ अरे, अरे शेरों में शेर नहीं, नहीं का ऐसे नहीं। तुम बैठ जाओ, हम युद्ध कर रहे हैं। हाँ करो,
हाँ करो 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 भाई। उदाल होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, चलो ऐसा तलवार छीन लिया तो बहादुर हो गया। मल युद्ध करूंगा, आजा। अगर मैं चाहूं तो तेरी जान ले सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं जानता हूं कि तू मेरे मामा का लड़का है, किसी ना किसी कुछ वक्त पर कुछ काम आएगा। मुझसे लड़ने आया था, मेरा सामना करने आया था, इसलिए तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। तेरा दाहिना हाथ जरूर तोड़ूंगा, उठा। अपने बाप को भेज देना। जा तो रहा हूं, याद रखना अपने पिता से कह करके तुझे मुस्कबान करके औरई में बुलवाऊंगा। अच्छा, जा रहा हूं, चलो दरबारी आओ। मुझे ऐसा लगता है कि पिता के पास जाऊंगा मैं। हाँ। मैं यही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊंगा। इतने में तुम्हारा मुड़ो तक तो न बूढ़ी। आओ चलते हैं पिताजी के पास, आप पट्टी तो जरूर करा देंगे। चलो आओ, चलो। हेलो, वो इतना वीर निकला कि हमारा हाथ तोड़ दिया। अरे वो तो मारपीट में होता ही रहा थी। इतना दर्द हो रहा पिताजी, कहा करेगा, युद्ध करने गया था, युद्ध करने गया था, जब वो तोर हाथ तोड़ डाइस रहा था, भाई के दांते कहने चबा लिया। अरे उस समय दांत मेरे नहीं थे पिताजी। नमक उस काले वहां से सबूत में पिताजी तेरा हाथ तोड़ दिया। चल वहां तो कहा पिताजी कौन है? उसकी माँ का, उसकी माँ
उसकी माता कि तोरी माता। पिताजी अब तो मेरा हाथ टूट ही गया है, इसको ले जाओ मेरे नजर मालिक, ले जाओ। रुक जाओ, जाए थी लेकिन हम कहते 500 रुपये दे दियो। काहे के लिए? हम पलस्तर चढ़ो अली गोड़न में और हाथे में। अच्छा उसका हाथ टूट गया है तो पलस्तर अपने पैर में चढ़ाएगा। हाँ चलिए पिताजी पैसा दे दो पलस्तर के लिए। चल निकल, तेरी हरकत देख करके मेरी आंखों से पेशाब आ रहा है। उदल तो बहुत बड़ा वीर हो गया है, बहुत बड़ा बहादुर हो गया, बहुत बड़ा क्षत्रिय हो गया है। चल ठीक है, अब मैं तेरे मोहबे खुद आ रहा हूं, खुद आ रहा हूं, देखूंगा कि तू कितना बड़ा वीर है और कितना बड़ा बहादुर है। हे घोड़ी, आ मेरी घोड़ी, आ मेरी घोड़ी। इतना बड़ा बहादुर हो गया कि मेरे बेटे का हाथ, अब बेटा भी साला वहां से सहूर बने, पिताजी मेरा हाथ टूट गया, हाथ टूट गया। चलो ठीक है, मैं जानता हूं सभी घबराए हुए हैं क्योंकि मोहबिया बहुत ही पीर और बहुत ही छत्री बहादुर है। मैं चलता हूं मोहबे और चल कर देखता हूं जो कितने बड़े पीर और कितने बड़े बहादुर हैं। हेलो, ये हमारे जीतलाल भाई अलौलापुर वाले, जीत पाल भाई अलौलापुर वाले, ये मवई के पास अलौलापुर है, भैया की तरफ से 21 रुपये शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग नहीं जानते ये महारानी देवला के महल है, मैं यहाँ का दरबारी हूँ, हमारे माता जी का आने का वक्त हो गया। क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के ओड़ी घोड़ी छोड़ी फोड़ी समय नहीं तरफान मालकान आज। हाँ आज मैं क्या देख रही हूँ? का है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता द्वारपाल। अच्छा नहीं लगता? हाँ। आखिर बात क्या है द्वारपाल? हाँ माताजी। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है द्वारपाल। काहे द्वारपाल? हाँ आज मेरा बेटा उदाल और आला शिकार खेलने गए। हाँ हाँ। और अभी तक लौट कर नहीं आए। हाँ। मैं इसी में घबरा रही हूँ कि अभी तक मेरे बेटा उदाल नाला महल नहीं आए। माता जी हाँ। तुम जानते हो अभी उनका लड़कपन है, घोड़ा की सवारी करके घुमाते होंगे इधर से उधर, आते ही होते हैं, अभी तो समय काफी है। ठीक है, इंतजार करते हुए। ठीक है माता जी, चार पे रहना, कोई आए तो हमें जरूर बताना। जरूर जरूर। समय नहीं है। हाँ। दरबारी ए नगर उठा, ओ
और रे रे नहीं मामा जी तुम राजमहल में कोई है या नहीं? हमारी माता जी है। माता जी है? हाँ ठीक है, जाकर ये बोल दो हाँ कि उरई वाले परिहार आए हुए हैं। उरई वाले चोरीहार आए हैं? नहीं, लोहार आए हैं। अको उरई वाले परिहार माहिल 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 उरई के राजा माहिल आए हुए हैं। मारी मारी उरई के राजा? हाँ। अच्छा, दो मिनट ठहरो, मैं एक घंटे में आता हूँ, अभी गया कभी ना आया। अच्छा, हम बेवकूफ हैं? काहे? यानी हम बेवकूफ हैं कि हम दो मिनट ठहरे और ये एक घंटे में आएगा। सुना? तत्काल जाओ और शीघ्र वापस आओ और ये बोल देना हाँ कि उड़ाई वाले परिहार आए हुए हैं, क्योंकि घोड़ी बछेड़ी दुनिया सब छोड़ के आया हूँ। ठीक है, तैयार नहीं थी। अरे तो कहे तो ना उकलात हो, काय खाना वाना सब मिली, घबराओ ना, मजा था। खबर करो, जा रहा हूं। समय नहीं। माता जी, उरई वाले परिहार यानी मामा जी आए हुए हैं। क्या उरई? उरई पर से मेरे भैया उरई पताए हुए। जी हाँ। थोरपाल जाओ जाओ इसी वक्त जाओ, मेरे भैया को इसी वक्त बुलाकर मेरे महल तक लेकर आओ। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलो इसी वक्त जा रहा हूँ। क्या खबर लेकर के आए हो? मामा एक आओ का, मामा तुम्हारा घोड़ी या बियानी काय अमर खाई है का? अरे नहीं, वो बटवा के पटक के लिए से निकारे के चक्कर में रहो। अरे तो मेरे उसके चक्कर में मत पड़, काहे वरना तेरी लीद खुद घोड़ी निकाल लेगी। का मामा पेट तुम्हारा काहे फूला है? ये हाँ खिलाई है। खिलाई है? ये बुढ़ापे की शरीर में खिलाई है, सेहत है। सेहत आए? सेहत। अम्मा सोचो कुछ हो आइया है। चलो अच्छा कौनो बात नहीं, काहे गुस्सा? आदेश क्या मिला है? आओ अंदर आओ, आओ आओ। मामा लाई चटाई बिछाई। भैया भैया जी को बहन की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। भैया आपन या नमस्ते, सुन ले मोर बात, आपन या नमस्ते, आपन या नमस्ते करो पेड़े में टांग दे। भैया बहुने टांगा रहा हूं, झुराए लुकाए झुराए। ये कैसी बात है भैया? आखिर थारपाल माता जी आज भैया कैसी बात कर रहे हैं? मुझको तो लगता है इनका नाश्ता पानी हुआ नहीं है, यही से आई गुस्सा। मामा मामा मैं ताजा ताजा गोबर का हलवा लाऊं? तेरे यहाँ महोबे में सिर्फ गोबर का हलवा सभी लोग खाते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। अरे आज माता जी बनवाए ने, तू खाया? हाँ मैं खाया। अगर गोबर का हलवा ना खाया हो तो जाके गू का हलवा खा ले। अरे भैया पूछ लो, अरे गाजर का हलवा होगा। हाँ 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 गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। अरे मामा बहन। हाँ भैया कहाँ है? कौन जौने का पैदा की ही नहीं पैदा, जौने का पैदा की हलवा कहाँ है? वकील भैया बहादुर कहाँ? आखिर बात क्या होगी? बोला मेरे सामने मैं समझ नहीं पा रही कि आप। हाँ मैंने पैदा की है। अरे अपने बेटा उदल,
अपने बेटा हला आला नहीं वही का बोला वही का किसको जौने का अपन सांड रखे सांड सांड भैया बेड़ा बुलाओ बेड़ा आज आप कैसी बात कर रहे हो आखिर आज वा जौन जौन मोर उरई में कई के आवो जौन जौन मोर उरई में कई के आवो है ना बुलाओ बाहर ए भैया आखिर क्या किया क्या किया हाँ मेरे बेटे ने क्या किया तुम्हें नहीं मालूम नहीं मालूम सुन हाँ तो वही का बोला बहादुर का आज मैं साढ़ का अपने साढ़ का भैया बड़ा बहादुर हुई मैंने साड़ नहीं पैदा की नहीं साड़ मैंने बच्चा पैदा की है बच्चे ने वो साड़ा नहीं भैया बोला खुश रहो मेरे लाल अरे उधर हाँ क्या बात है तुम्हारे मामा जी आए हैं मामा जी उराई वाले माँ बहुत खुशी की बात है लेकिन वो तो नाराज है तुम जानती हो जब वो कहीं जाता है जब कहीं जाता है हमारा मामा खाना पीना नहीं पाया तो नाराज हो जाता है तुमने खाना पीना पूछा नहीं होगा नहीं बेटा बोल रहे हर बार बार हर लबों में वो आपका नाम ले रहा है मेरे लाल माँ आखिर तुमने क्या किया है माँ हाँ यानी बार बार मेरा नाम ले रहे हैं हाँ वो मुझे देखने के लिए बुलाया होगा बहुत दिन से देखा नहीं कहाँ है चलो उससे मिलता हूँ ठीक है आ चलो मैं चलती हूँ आओ मेरे लाल मेरे पीछे रहना ठीक है आओ दीदी बुइया तैयार तैयार जबा है हाँ पागल हूँ मैं पागल हूँ क्यों बहादुर वीर छत्री बहादुर मैं कौनो ससुर का नहीं दे रहा तुम समझे का करिए तेरे आखिर मेरे बेटे ने क्या क्या किया क्यों नाराज हो क्यों खपा हो उधर तू अभी जंगल से आ रहा है ना यह है बैलंडा और यह है बैलंडा घूर मैं जब से अपनी माँ के कोख से जन्म लिया भैया मैं कहती हूँ कौन ऐसी बात किया मेरे बेटे ने जो ऐसी बात बोल रहे भैया तो जाऊं तान का पहिरे टहलते ना मरखी अगर मजूर पहिरे थे जाऊं तरह 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 घूमा था ना ये तो मैं नंगे पांव चले आ ओ तोरे तोरे जब चप्पल आटाएं अटत नहीं नहीं हाँ। लोगन की निगाह खराब हो जात चोरा ले जात भैया उधर भैया उधर का
और ये मत हकत रही दे अरे तजा यार तो तुम्हें नठई काट दई हूं तय अरे तजा यार भाई लंदन का आता है मेरे लालू दल वना तो हदिया टहलते है भैया ही का देख ले ये लागत है ये रोड बेल का कंडक्टर उदल अभी तू जगह से आ रहा ना मैं बोल रही हूँ इस वक्त मैं चल सब छोड़ का नहीं नहीं डराते समझे देखो मोछा गधा ही चल के चली गई ये देख ले ये मोछा यार यही के मोछा ये लगा कोनो घोड़ी चढ़ के चली गई तो मोरे सामने मोछा के आवत बाहर क्या छतरी हूँ मैं तय तो छतरी नहीं है तहन कोरी तहन कोरी तहन कुछ बांधिया भैया अगर मेरे बेटा कुछ बन दिया है तो मैं भी होंगी ना उसी जगह में चुप रही आखिर मेरे बेटे क्या क्या यार ये छतरी है हाँ सुन मेरी बात छतरी ये बहादुर है ये छतरी है अब इसको ये पता है ये माता अरे उदल बानोगढ़ के राजा जानते इस महल को और किसी भी राजाओं में वो हिम्मत वो साहस वो ताकत नहीं है अरे टकला अरे टकला जो उठा के पड़क तो फाड़ दी है हाँ फाड़ दी है तेरा तेरा बुढ़ाई का लिहाज करा था ये बुढ़ाई नहीं स्टील बॉडी है स्टील बॉडी है स्टील बॉडी तो का दाब दे तो की के रह जाइए समझे तो हम तक पहुंचबे न करिए ये कहे भूलते हैं कितना बड़ा पीर हो ये कहता मैं पीर हूं मैं छत्री हूं बहादुर हूं उदल मेरी बात सुन बोल
घोसले का लगाए थे भैया नेबरे लगाउते हैं अगर तुमने मालू की बात की अगर वो बोली है मेरा बेटा सुन लिया तो बारूद भैया वो बारूद बहुत बड़ा बारूद भैया मोर बात आए हुए अगर ये तो रे मोहबे आए हुए आगे लगा के जाई हूँ चाहे तोर महोबा बार जाए चाहे पूरा सेठौरा बार जाए जवान निकाला ना तेरी जवान खींच लूंगा मैं कबीर है बहादुर है क्या जवान मोर जवान खींच ले चाहे सामान खींच ले भैया मैं कहती हूँ ऐसी बातें मत करिए भैया ये सब बातें ये भी छोड़ दो भैया चुपे चल चुपे चल तुम जाओ इससे मैं निपट लूंगा बुलकी ना भाई बुलकी चुप कर ये अपन बुलकी लेके जा चल बुलकी लेके सुना सुना मेरी बात क्या सुना तो बहादुर है वीर है अगर वीर है बहादुर है छत्री है छत्र है अरे अरे जानो जब
कैसा करिया कैसा जमते कहाँ का रहने वाला बोल। नहीं जानता, नहीं जानता मास्टर, जम्बे को नहीं जानता, करियो को नहीं जानता। मैं नहीं जानता, मारोगढ़ जानता है, उसको भी नहीं जानता। का जानते हैं? उरई जानते हैं? हाँ महल का जानते हैं? हाँ जी कहे ना जाने, मोरे तो पैदन भाई है, मोरन बारे पैदा भाई है। कहना क्या चाहते मामा जी? वो जम्बे मारोगढ़ वाला करिया तेरे मोहबे आया, तेरे मोहबे आया लाएगा, लाएगा। अरे तोरे बाप का लाएगा इज्जतदार, तोरे बाप का लाएगा। कौन चाचा का लाएगा? करिया जम्बे मारोगढ़ वाला। क्या बकते हैं, झूठ है उसके बाप। मैं जब भी माँ से पूछता हूँ तो कहती है परदेश में है। पहले मेरी सुन ले बात। हाँ वो तो बना बहाना बताइबे करेगी ना, तेरे बाप को ले गया, तेरे चाचा को ले गया, उसके बांध के ले गया, तेरे मोहबे की लाखा पातुर को ले गया, लाखा पातुर को ले गया, घोड़ा पपीहा ले गया, गज पशोद हाथी ले गया। अरे इज्जतदार लायकदार, तेरे महतारी के बदन से नौ लखा हार छीन ले मामा जी। अपने मारोगढ़ मां तेरे बाप का तेरे चाचा का सर सर कटवा के बरगद की डाल में टंगवा दिया मामा जी। दोनों की लाशों को पत्थर कोल्ह में डाल के बहादुर का कैली है, का कैली है हिरन मारियो बरगद जिला जी। मामा जी अगर तुम्हारी बात सत्य निकली ना, उन हराम जालों की सान मिट्टी में मिला दूंगा मैं। भाला 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 तैसे नहीं तो ही मैं को पासी हुआ तो ठीक रहा। मैं को पासी हुआ तो बहन दाब के मार डाल। तय बहादुर तय छत्री। अरे कुलरी तो और सदा चली आई रे, और सदा चली आई पर बचन न पूछ लूंगा कि माँ हमारे पिताजी कैसे मरे, हमारे चाचा जी कैसे मरे, हमारे मोहबे में लाखा पातुर थी, घोड़ा पपिया था, गज पशर हाथी था, तुम्हारे गले में नौलखा हार था, ये सब क्या हुआ? पूछ लूंगा, तुम चले जाओ मामा जी, भलाई इसी में है तुम्हारी। चल जा 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 बहादुर जा, जा को लगा दूं आगी मामा जी, लगा दूं आगी। जा सकते हो तुम, जा बहादुर जाओ जाओ कोरी। क्या बताऊं बड़ी बात, इतनी बड़ी बात हमारे मोहब्बे में हुई और हमें खबर तक नहीं। काश मैं मामा के पनिहारों के घड़े नहीं पोड़ता,
के बगीचे का हिरन नहीं मारता तो ये बात भी नहीं मालूम होती। चलता हूँ, ये बात माँ से जरूर पूछूंगा। ना जाने फिर भी यानी फिर बेटी सिंह न जाने क्या क्या कहा होगा। या भगवान, मैं बड़ी सोच पड़ी हूँ, कहीं मालो की बात मेरे उदन से ना बोलते मेरे भैया तो मेरे ऊपर वो चढ़ाई कर देगा। खैर कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती हूँ। मेरे आंखों में आंसू देखकर तुम्हारे आंख से आंसू क्यों निकले माँ? और उठा दिल तेरे, बता नहीं।
मेरे लाल, तुम क्यों रोई माँ? मेरे लाल, आज रोने के जरूर कारण तुम्हें बताऊंगी। माँ, अगर आज तुम्हारा बेटा तुमसे कोई सवाल करे तो झूठ तो नहीं बोलोगी माँ? नहीं मेरे लाल, हर माँ अपने बच्चों को शिक्षा देती है, कभी बच्चे से झूठ नहीं बोलती है। मेरे लाल माँ, बोल क्या पूछना चाहता है? माँ, पहला सवाल, हमारे पिताजी और चाचा जी कहाँ हैं? लाल, आपके पिता, अरे मैंने कई बार बोली कि आपके पिता परदेश में हैं। परदेश में है? हाँ। हमारे घर में घोड़ा पपिया था, गज पर चावल हाथी, पारस बटिया, हाँ। तुम्हारा नौलखा हार, एक लाख नाम की तवायब थी, पाने के एक लाख रुपए लेती थी, वो कहाँ है? मेरे लाल, तू कैसी बातें कर रहा है? सुन मेरी बात, उधर ये सब प्रदेश में है। माँ, झूठ मत बोलो माँ। अर बतला दे सवाल, ये महाबानगर विराट की दिखाई देता है, जिधर देखता हूँ उधर लूट मार सी नजर आती है। बोलो जवाब दो माँ। उधर सुन मेरी बात को, उधर
बेटे उदयराज से झूठ बोलोगी माँ तो मैं खंजर मार के मर जाऊंगा। झूठ बोलोगी तो मैं खंजर मार। नहीं मेरे लाल, तू ऐसे नहीं मरेगा। सुन, अगर तेरे पिता की बात ही सुनना चाहता तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। हेलो हेलो, अभी चंद्रिका।